मैंने डिजिटेक की रिंग लाइट ऑर्डर की है और विद स्टैंड है ये, तो चलिए इसके देखते हैं कि ये कैसी है। और मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी है और इसकी पैकेजिंग बाहर से तो बहुत ही बेकार है, जिसे पूरा टूटा फूटा है, लग ही नहीं रहा है कि न्यू पैकेट आया हुआ है। तो प्लीज़ फ्लिपकार्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप पैकेजिंग जो है उस पर ध्यान दो, थोड़ा सा सही पैक करके भेजो। तो चलिए मैं इसको ओपन करती हूँ और देखती हूँ इसमें अंदर कैसा है, कि अंदर भी टूटा फूटा है या अंदर सही है। तो चलिए खोलते हैं। ये तो पहले से ही ओपन पड़ा हुआ है सारा। चलिए देखती हूँ, लेकिन फिर भी ऊपर सर एक पैकेट है। ये इसका स्टैंड है आई थिंक। हाँ यस, ये इसका स्टैंड है और ये है रिंग लाइट। वैसे मैंने बहुत सी ब्रांड देखी, लेकिन मैंने देखा था कि डिजिटेक की जो है ना वो बहुत अच्छी रिंग लाइट है, और रिंग लाइट के बिना तो काम नहीं चलता हमारा। तो ये है कुछ इस तरीके से, डिजिटेक की है ये, और इस पे दिए हुए हैं इसका मैनुअल है, इसमें दिया हुआ है कि आपको किसे कैसे इसको यूज करना है। इसमें टू लाइट्स हैं, कलर टर्म 3265। तो चलिए मैं इसको आपको बता देख के बताती हूँ। इसको लगाती हूँ मैं प्लग में, स्विच में, और देखते हैं इसमें इसकी लाइटिंग का क्या असर है, इसका कोई फायदा भी है कि खाली मंगा ही रही हूँ मैं। क्योंकि पहले मैंने एक रिंग लाइट ऑर्डर करी थी और वो क्या 1000 में थी, रिंग लाइट विद स्टैंड। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कोई भी 1000 में रिंग लाइट विद स्टैंड मत मंगाइए, वो बहुत ही बेकार थी। क्योंकि मतलब उसका स्टैंड जो था ना वो बहुत बेकार क्वालिटी का था, वो बार बार जैसे ही आप उसमें फ़ोन में लगा रही थी तो वो अपने आप डिसबैलेंस होके गिर रही थी। तो प्लीज़ आप, क्योंकि हम जब थोड़ा सा इन्वेस्ट करें तो उसमें थोड़ा और डाल के अच्छा इन्वेस्ट करें, और ताकि हम उसे यूज भी कर पाएँ, क्योंकि हमारे 1000 भी इतनी छोटी रकम नहीं है कि हम उसे ख़राब कर दें। तो चलिए इसको मैं लगा के दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट, मुझे चार्जर लाना पड़ेगा। तो इसमें ना ये मोबाइल होल्डर है साथ में, देखते हैं कैसा है। वाह, अच्छा ये जो है काफ़ी अच्छा है, ये देखिए ये काफ़ी मुड़ रहा है, ये देखिए डाउन तक। पिछली बार जो मैंने मंगाया था, जैसे मैं उसको ऐसे करती हूँ ऊपर चला जाता, जैसे मैं उसको डाउन में लेके आती ना तो फिर ऊपर चला जाता, तो बहुत बेकार था उसकी क्वालिटी। और इसको हम यहाँ से, अच्छा ये टाइट नहीं है, इसको टाइट करना है यहाँ से। अब सही है, टाइट करके यूज करें, और ये यहाँ से स्टैंड में लग जाएगी, और ये यहाँ से। चलिए पहले मैं इसको, इसके साथ में चार्जिंग पॉइंट है, इसके कनेक्टर नहीं है, तो मैं इसमें कनेक्ट करके देखती हूँ, बताती हूँ आप। चलिए इसको लगाती हूँ मैं। तो जैसे ही हमने इसको इसमें लगाया ना, तो इसमें ये सारी लाइट्स ऑन हो रही हैं, यहाँ से ब्लिंक हो रहा है, मतलब हमें यहाँ से ऑन ऑफ करना है। ये देखिए, अच्छा कुछ इफेक्ट लग रहा है आपको, देखिए ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लाइट अच्छी होती ना तो कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी आएगी, और इसमें चेंज भी कर, इसको प्लस माइनस भी कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छा ये माइनस में जा रही है, इसको प्लस करना है ना, तो इसको प्लस की बटन पे जाके देखिए बढ़ रही है। इस पर टू टाइप लाइट है, एक येलो पे है, ये येलो टोन पे है, अच्छा एक ये है, थ्री टाइप्स हैं, मुझे लगा टू टाइप्स हैं। तो ये फिर तीन तरीके की लाइटें हैं, वाह बहुत अच्छा है ये। चलिए मैं आपको इसको स्टैंड में सेट करके दिखाती हूँ कि ये स्टैंड में किस तरीके, इसका स्टैंड की क्वालिटी क्या है। पहले स्टैंड को भी हम लोग देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि पिछली वाले स्टैंड की क्वालिटी बहुत बेकार थी। तो मैं इसको यहाँ से ऑफ करती हूँ।
इसकी स्टैंड की क्वालिटी अच्छी है, डिश्टेक का है ये, तो आप भी अगर मंगाइए ना तो प्लीज वो वाले मत मंगाइएगा, वरना मंगाने के बाद आप पछताएंगे उसे मेरी तरह। अच्छा ये यहाँ से और ये इस तरीके से ऑन होता है, सोच रहे हैं ये ऐसे। और ये इस तरीके से लॉक भी हो जाता है, इस तरीके से लॉक हो जाएगा। ये मैंने पूरा ऑन कर दिया है, लेकिन इसकी हाइट शायद 5 फीट ही है। तो ये जो ट्राईपॉड है ना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और इसकी हाइट जो बताई गई है वो 5 फीट बताई गई है। तो मैं इसको असेंबल कर रही थी तो क्या मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये ऐसे था, ये जो है ना आपको दिख रहा है ना फोकस, तो ये ऐसे था। तो मैं सोच रही थी कि ये इसमें कैसे असेंबल होगा, फिर मैंने ध्यान दिया कि ये मूव हो रहा है, तो हमें ना इसको साइड में ले आना है ऐसे ऐसे, और साइड में लाने के बाद में हमें ना इसको इसमें सेट करना है। तो इसे हमें इस तरीके से पकड़ के, पहले हमें इसको टाइट कर लेती हूँ मैं, ये जब ये लूज हो गया है मुझसे। और अब मुझे ना इसको बंद क्लोज करने के बाद में इसको पकड़ना है, और इसको इसमें ये क्लॉक वाइज है या एंटी क्लॉक वाइज है देखना पड़ेगा। इसको हमें ऐसे राउंड राउंड घुमाना है, और ये क्लॉकवाइज, बस ये देखिए सेट हो गया। अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत थोड़ा ही चाहिए इस टाइम। और ये देखिए देखिए आप ये, और मैं इसको पूरा ओपन करके आपको दिखाती हूँ अभी कि इसकी हाइट कितनी है, और इसका फोकस तो मैंने आपको दिखाया अभी कि इसका फोकस कैसा है। इसका फोकस काफ़ी अच्छा है, और ये इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आप अगर कोई अच्छी रिंग लाइट लेना चाहते हैं और सही बजट में लेना चाहते हैं ना, तो आप इसे ले सकते हैं। ये डिजिटेक की है, 12 इंच की है ये रिंग लाइट, और इसमें कलर ऑप्शन भी काफ़ी थे, 3 कलर है इसमें। तो इतनी अच्छी लाइट है, देखिए क्योंकि रिंग लाइट के साथ में जब हम शूट करते हैं ना तो ब्राइटनेस बहुत अच्छी हो जाती है। जरूरी नहीं कि जो लोग टिकटॉक बनाते हैं वही रिंग लाइट, टिकटॉक तो बैन ही हो गया है कि, लेकिन जो भी ये वीडियो बनाते हैं या कोई अपनी चॉइस के लिए अपनी फोटो खींचना चाहता है रिंग लाइट के साथ में से क्लियर आए, तो वो भी इसे ले सकता है। और अगर कोई वीडियो बनाता है तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि आप उस पे जाएं और लें। तो मैं इसकी एक्चुअल हाइट आपको दिखाती हूँ कि इसकी हाइट कितनी है। वैसे इसमें 5 फीट दी है, और इसको असेंबल करना जो हाइट को है ना, ये बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें ये खींचना नहीं, इसमें ये लॉक है, बस आपको ये लॉक ओपन करना है और ऊपर बढ़ा देना है, फिर इसको आपको अनलॉक कर देना है, बस फिर इसको आपको ओपन करना है, फिर ऊपर खोल देना है। वाह वेरी नाइस, ये देखिए वाह, इसकी हाइट भी बहुत अच्छी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक्चुअल में, तो ये देखिए आप, इसकी हाइट बहुत ही अच्छी है। जितनी वैसे दी तो इसमें 5 फीट है, लेकिन ये 5 फीट से ज़्यादा ही है, 5 फीट मुझे लगता है 5 इंच या 7 इंच ऐसे है ये। और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो अगर आप कोई अच्छी रिंग लाइट लेना चाहते हैं ना, तो आप जा सकते हैं इस पर, मैं प्रेफर करूँगी आपको ये, आप ले सकते हैं इसको। और इसे लॉक करना अनलॉक करना भी बहुत ईजी है, और इसमें जो ये दिए हुए हैं ना, यहाँ से इसके हम मोड को चेंज कर सकते हैं, प्लस माइनस, इसमें इसमें लाइट
कम और ज़्यादा की जा सकती है। और जो ये वाली बीच में एस टाइप से बटन है, इससे एस नहीं है, ये एरो बने हुए हैं, तो इससे हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं कि हमें अगर कौन कौन से कलर चाहिए। तीन कलर है इसमें, तो जो कलर आपको चाहिए आप वो सेट कर सकते हैं इसमें। और ये बहुत ही अच्छी है, इसकी क्वालिटी, इसका स्टैंड भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप कोई अच्छी रिंग लाइट लेना चाहते हैं तो आप बिजटेक की रिंग लाइट ले सकते हैं। और मेरा बेटा उसे ऑन ऑफ करके रहा है और उसके मूड को चेंज कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि इसमें कलर क्यों चेंज हो रहे हैं। हाँ बेटा, और उसको देखिए, आप देखिए इसने कलर चेंज किया है और कौन कौन से कलर है, खींच रहा है उस वायर को। तो अगर आपको चाहिए ये रिंग लाइट, लाइट के साथ में आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ब्राइटनेस है, तो आप ले सकते हैं। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।